सो हे दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और मैं भी मस्त। तो आज मेरे साथ में रोहित, तो आज हम जा रहे हैं नानी के घर किरोट गांव में, तो चलते अभी और मिलाता हूँ आपसे, सीधे आगे मिलता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। और सो गाइस, अब निकल गए हम घर से और मेरे हाथ में तेल की बोतल, क्योंकि यहाँ से स्कूटर में जाएंगे मोड़ तक। मैं रोहित चलते हैं फटाफट। और सुबह का मौसम हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रखा है मौसम इस टाइम भी, और आज धूप भी आ रही है, काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो फाइनली हमारे काम वाले सारे आ गए और काम लग सब लगे काम पे, वाइस तो सब लगे काम पे, दादी और भी और मम्मी यहाँ पे क्या है, वहाँ क्या करनी, तो ये पत्थर ढो रहे हैं, चलते हैं अभी। बाय। तो सो गाइस निकल गए हम घर से, अब चलते हैं और क्योंकि जाना भी है बहुत हमें, और क्योंकि 20 या 25 किलोमीटर है कम से कम यहाँ से किरोट गांव, तो काफ़ी समय लग जाएगा यहाँ से जाते जाते। तो चलते हैं अभी, रास्ते का कुछ हाल तो हो रखा है, जैसे कि पेड़ है ना जो सूख गया था ये, और बारिश के कारण नीचे गिर गया, दो चार दिनों से बारिश लगी थी, तो रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया यहाँ पे, हमारे गाँव का रास्ता है। अभी जिसका भी पेड़ होगा वो ले जाएगा अपने पेड़, अभी लकड़ी सूखी लकड़ी है तो जलाने के लिए काम आएगा। तो दोस्तों अब यहाँ से हम स्कूटी में जाएंगे और स्कूटी हो गई हमारी स्टार्ट, तो अब चलते हैं और मिलता हूँ सीधा आपसे आगे। तो चलते हैं अब बॉट की तरफ। तो अभी विकास चला रहा है स्कूटी, मैं पीछे से शूट करूँगा उसका ब्लॉग। गाड़ी भी खड़ी हो रखी है, विकास चला रहा है गाड़ी। ये हमारे बड़ा जी यहाँ पे बैठ रखे हैं। नमस्ते। चल। तो रोड की हालत यार आप देख सकते हो, यहाँ पे पत्थर आ रखे हैं, ऊपर से स्लाइडिंग हो रखी है, तो ऐसी पूरी रोड है, कहीं ना कहीं पे स्लाइडिंग आ रखी है नीचे। अंदर यहाँ पे बकरियाँ चला रहे हैं दोनों के दोनों, वीरेंद्र भी और ये नाम क्या है तेरा, आयुष नाम है इसका। अबे इसे कहाँ लेके जा रहे, भाग रहा है, लेके जा रहे हैं, पीछे भाग रहा है ये, हैं नहीं भाग रहा हूँ, अबे भाग रहा हो। सो गाइस फाइनली हम बोर्ड पे पहुँच चुके हैं और स्कूटी हमने लगा ली है और अब चलते हैं यहाँ से आगे किरोट की तरफ। तो अभी यहाँ से आगे पैदल जा रहे हैं, तो पथ यात्रा चलेंगे आगे, क्योंकि रोड है नहीं आगे तक, स्कूटी जा नहीं सकती। हाँ रोड नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ से आ रही थी पर गदेरे में टच नहीं हो रखे आपस में, तो अभी काम शुरू हो रखा है अभी फिलहाल, तो अभी चल रहा है। तो अभी एक जेसीबी पहुँच गई है ऊपर दशरथ। तो दोस्तों फाइनली रोड टच हो गई है, पर अभी रोड की हालत कंडीशन ऐसी है कि जाने लायक नहीं है फिलहाल, तो पकड़ ऐसे हो रही रोड की हालत ऐसे हो रही कुछ, तो अभी मतलब स्कूटी ले जाने लायक नहीं है कि पत्थर और गड्ढे भी हो रखे बहुत सारे, तो टायर पंचर हो सकता, कुछ भी हो सकता साथ में। तो अभी एक जेसीबी यहाँ से लगी है, एक वहाँ से लगी है, तो अभी टच हो रही है आपस में। और ऊपर वाली रोड कहाँ जा रही है यार, हेला तो एक जेसीबी ऊपर लगी हो शायद दसरा जा रही है, तो ये जा रही है अभी रोड, तो अभी लगे हैं सारे। तो नीचे मतलब ये रास्ता था पहले पैदल वाला, तो सारा ब्लॉक हो गया, पता नहीं कहाँ देखते भी कहाँ से चलते हैं, तो कुछ ऐसा हो रखा है। दोस्तों यहाँ से जाने में आगे अभी, तो फिलहाल हमें जेसीबी लगी है, आ जा भाई क्यों चल रहे हैं, तो चलते हैं फटाफट आगे। और रास्ते कंडीशन ऐसी हो रही है फिलहाल। तो दोस्तों तो फाइनली पहुँच गए हम यहाँ तक, और रोहित भाई वहाँ से आ रहा है अभी फिलहाल, तो अभी चलते हैं आगे। रोड यहाँ पे टच हो रखी पर ऊपर नीचे हो रखे कुछ, आ जा भाई यहाँ से नीचे जाने, फिर भाई गिरने का भी डर लग रहा है यहाँ से, तो कुछ ऐसा कंडीशन है यहाँ से। अभी हमें वहाँ से वहाँ नहीं जाना है क्योंकि वहाँ अभी रोड ब्लॉक हो रखी है, तो फिलहाल यहीं से नीचे जाना है यहाँ से होके उधर जाना जहाँ पे गाड़ी लगी है, तो चलते हैं अभी फटाफट। अभी मैं गिर गया था अभी फिलहाल, तो चल रोहित आ रहा ऊपर से, कि रोड वाले ना ऊपर नीचे हो रही थी, तब एक लेवल भी लेके आ रहे से अभी फिलहाल वो, तो अभी लगी मशीन लगी है, तो आ जा भाई गिरे हो मत, फिसलन हो रही है यार में। तो फिसलन तो मुझे पता, फिसलन हो रही, आ जा आराम से आइयो, नीचे बैग भी डाल रखा, फिसलन हो रही है। तो सो दोस्तों जो रास्ता था ना यहाँ पहले,
तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया वो, पूरे पत्थर पत्थर आ रहे हैं, तो जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा हमें, तो पत्थरों में चल रहा हूँ मैं ऊपर फिलहाल अभी, तो नीचे वो रास्ते है तो वहाँ से जाना है हमें वहाँ तक, वहाँ भी जेसीबी लगी है तो मतलब रास्ता पूरा ब्लॉक हो रखा है, तो आ जाओ भाई आराम से आइयो। तो कुछ ऐसा हो रखा है यहाँ के रास्ते का हालत, क्या बताना यार, आराम से आने के लिए जगह होता ना। आराम से आइयो, तो चलते अभी नीचे, रास्ता हमें फिलहाल मिल नहीं रहा है, हम ऐसे सो गए से आप यहाँ से चलते नीचे, क्योंकि यहाँ से मिला मुझे थोड़ा सा रास्ता जाने के लिए, तो यहाँ से चलते घूम के, तो आ जाओ भाई। तो यहाँ इन जो पाइप लाइन थी जो जहाँ से पानी जाता है गांव के लिए, तो वो भी टूट रखा है फिलहाल अभी रोड के कारण, और तो पानी यहीं पर है, गिर रहा है सारा पानी यहीं पर गिर रहा है, तो दोस्तों पानी यहाँ पे वेस्ट हो रहा है वैसे ही, और जो पहले पानी गांव में जाता था अब रोड के कारण पाइपलाइन यहाँ से टूट गई, पाइपलाइन है जो वो टूट गई यहाँ से, तो गांव में पानी जा रहा है तो यहीं पे गिर रहा है सारा पानी जो भी जितना भी आ रहा है, तो पाइप उन्होंने अभी ऐसे डाल रखे हैं फिलहाल, तो जब रोड टच हो जाएगी खाई तब लगाएंगे, अभी गाँव में पानी पता नहीं कहाँ से आ रहे होंगे, तो चलते अभी मुझे रास्ता भी नहीं मिल रहा, मैं ऐसे जा रहा हूँ एक खेत से आगे जा रहा हूँ, एक खेत से पीछे आ रहा हूँ, फिर आगे पीछे कर रहा हूँ मैं ऐसे ही, मिल गया रास्ता, अब यहाँ से चलते हैं फटाफट। तो गाइस देख सकते हो, ओ माय गॉड, तो पहले रास्ता था तो कुछ ऐसा हो गया, पूरा पहाड़ से टाइप का बन गया यहाँ, और सारे पेड़ पूरे सारे टूट गए, नीचे चले गए पेड़ वगैरह, तो भाई जी डुंगनी फेंको। तो गाइस ये कपाल फोड़ मैं निकलता। सो गाइस मैं फाइनली नीचे पहुंच गया, अगर रोहित अभी ऊपर आ रहा है तो अभी चलता मैं फटाफट पहुंचता हूँ पहले आगे, क्योंकि भाई यहाँ डर भी लग रहा है, दोनों तरफ से जेसीबी लगी है, पत्थर आ सकते हैं कहीं से भी, क्योंकि रोड अभी नई नई कटिंग हो रही है यहाँ, तो भरोसा नहीं ना कभी भी पत्थर आ सकते हैं, तो चलते फटाफट। तो गाइस काफ़ी सालों के बाद मिल रही है रोड, क्योंकि काफ़ी सालों तक यहाँ पे बंद कर रखा था उन्होंने, काम यहीं पे रोक रखा था, तो अब जाके थोड़ा काम शुरू हुआ, अब जाके मतलब ऐसा ठीक है ना, मतलब हम वहाँ से अपने गांव से बौर तक आते थे गाड़ी में, और जब मुझे किरोड़ जाना होगा तो मैं यहाँ से पैदल जाता था फिर, अब ऐसा नहीं कि मैं गाड़ी लेके आ सकता हूँ और सीधा वहाँ तक जा सकता किरोड़ तक, क्योंकि रोड टच नहीं थी पहले, अब होने वाली है फिलहाल, आज कंडीशन रोड की देख सकते हो कैसे हो रही थी, फिलहाल स्कूटी ले जाने लायक नहीं था, तो स्कूटी लाया जाते हैं हम, पर रोड की कंडीशन ऐसे हो रही थी बिल्कुल ख़राब, टायर पंचर हो सकता है कुछ भी हो सकता था, इसलिए हम वहीं पे खड़ी कर दी स्कूटी और यहाँ से चलते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर दबा के ठोकना। तो गाइस देख सकते हो वहाँ से पत्थर गिर रहे हैं बहुत सारे, तो अभी हमें यहाँ से भागना पड़ेगा जल्दी जल्दी, कोई भरोसा नहीं पत्थरों का, कहीं भी आ सकते हैं, तो गाइस काफ़ी डर लग रहा है हमें भी, और वो देख सकते हो बहुत सारे पत्थर गिर रहे हैं वहाँ से, ये ऊपर मशीन लगी है ना, मशीन काम कर रही है, तो रोहित पीछे आ रहा है और बोल लो भाई जो जल्दी भाग ले, कोई भरोसा नहीं उनका। तो सो गाइस फाइनली हम ऊपर आ गए, ओह अब जाके थोड़ी राहत मिली, और रोहित पीछे आ रहा है अभी फिलहाल, तो वहाँ ऊपर लगी जेसीबी और वहाँ से घूम के आए हम नीचे, और इधर भी एक जेसीबी लगी है, तो यहाँ से काफ़ी सारे पत्थर गिर रहे हैं, भाई थकान लग गई, पत्थर फेंक दे पाँच मिनट के लिए रुकता ना हो तो हम दोनों, तो ऐसे फिर से फेंकने लग गया, शुरू कर दिया, देखो अब देख रहे हैं चलेंगे ऊपर। सो गाइस ऊपर से बड़ा पत्थर फेंक रहा है वो, ओ माय गॉड, ओ तेरी खत्म टाटा बाय बाय, कसम से गाइस अगर एक किसी के ऊपर पड़ता ना तो खत्म, तो चलते फटाफट ऊपर अब। तो गाइस फाइनली हम रोड पे पहुंच गए हैं, और फिलहाल में बैठ रखा था, थोड़ा बहुत थक लग गई थी, तो वहाँ अभी भी पत्थर गिर रहे हैं, तो यहाँ चलते हैं, और फिलहाल में दो गाड़ी लगी है, फिर पता नहीं कुछ जाता है नहीं जाता आगे, तो अभी फिलहाल में दोनों को पैदल जाना पड़ेगा फिर से,
अभी काफ़ी पैदल जाना है और चलते हैं अब आगे। बैग पकड़ यार तू, गर्मी लग रही है। तो भाई मुझे क्या ठंड लग रही है क्या यार, कैसे बात कर रहे हैं। अब बैग भी दे दो मेरे पास अब तो चलते आगे। तो सो गाइस मैं ऊपर आ गया सड़क से, अब जा रहा हूँ नानी उसके घर। तो नानी गई थी चक्की पे गेहूँ पिसाने के लिए, तो नानी चली गई ऊपर और मेरे पास दे दिया कट्टा। और ठीक है मैं लेके आता हूँ। तो अभी काफ़ी ऊपर जाना है हमें और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो चलते हालत बुरी हो रही है वैसी चढ़ाई पे, तो काफ़ी भारी हो रहा है ये भी। तो रोहित आगे जा रहा है तो अभी चलते ऊपर, और काफ़ी टाइम भी हो गया अभी गए नहीं हम, तो चलते हैं। ये मज़े से जा रहा है आगे, बैग टांग रखा है इसने, चलो चल पड़े। मैं मज़े ही लेता हूँ भाई हर जगह, उठाए झोला चल पड़े बोल, हम फकीर आदमी है, फकीर आदमी है भाई, उठाए झोला चल पड़े हम। तो दोस्तों फटाफट चलते ऊपर और मिलता हूँ मैं सीधा आपसे आगे, क्योंकि अभी बोलने की हिम्मत नहीं रही है हालत में, हालत भाई ख़राब हो रही है। हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं? किरोड किरोड जाएंगे मस्ती में, जिंदगी पहली बार घूम रहा हूँ मैं इतना। भाई ये ट्यूशन से आ रहे कसम से, कॉफी बैग टांग रखा है, कॉफी पेन हाथ पे है, ट्यूशन से आ रहा है बंदा, ये तो काम है मेरा। तो गाइस अभी काफ़ी ऊपर जाना है, रोड नीचे है और अभी वहाँ जा रखे थे कट्टूर के घर किरण को मिलने। तो साला गाड़ी भी अब आ रही है, पहले नहीं आई जब हम तो वहाँ पे, तब तो गाड़ी नहीं, तब तो गाड़ी नहीं आई, अब आ रही है, हम पैदल आए वहाँ से पूरा। तो अभी चलते हैं और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, ओ माई गॉड। तो सो गाइस आटा मैंने यहाँ पर रख दिया, थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई है, और नानी का घर अभी काफ़ी ऊपर है वहाँ पे, फोटो खींच लिया अपने। तो यहाँ पे नानी और पानी चालू करने आते, गांव में जो पानी आता ना ये टैंक है, सुबह आते नाना या नानी जो भी आएंगे पानी सुबह यहाँ से चालू करते, शाम को बंद कर देते। और ऊपर के लिए रोड भी कट रही है अब, तो ये रोड जा रही है, अभी काम शुरू हुआ आजकल हाल ही में, तो अभी कट रही है रोड फिलहाल। तो अभी चलते ऊपर, और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है और काफ़ी तेज़, मतलब ठंड भी लग रही है बहुत ज़्यादा, इसकी तो अंडर बच गई एकदम। तो भाई कैसे लग रहा था ये रोड आगे? दोस्तों यार बहुत ज़्यादा ठंड हो रही, टोपा भी इसने मेरा ले लिया है। तो गाइस ने गले में डाल रखा, ना ये पहनेगा ना मैं पहनूंगा, बस गले में डाल रखा है, दोनों मरेंगे ठंड। तो फटाफट चलते ऊपर, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, हवा भी तेज चल रही है, जाना है कमरे के अंदर सोना है बिल्कुल। तो गाइस यहाँ नीचे से रोड कट रही है ऊपर के लिए, और रोड काफ़ी ऊपर, मतलब ऊपर तक जाएगी जहाँ पे नानी और का घर है, वहाँ से ऊपर और ऊपर जहाँ हम डांड का थोल जाते थे, डांड थोल जाते थे जहाँ से, यहाँ ऊपर से तो चमराड़ देवी जाएगी रोड अभी फिलहाल। तो अभी कटिंग शुरू हुई इसकी अभी फिलहाल हाल ही में, तो अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर, और नानी का घर काफ़ी ऊपर है तो अभी हम नीचे हैं, तो यहाँ चलते हैं अभी। और हम आए थे किरण को मिल के वहाँ से, भाई और के घर गए थे, तो अब आ गए यहाँ से, अब चलते ऊपर। और कट्टा तो फिर मेरे सर में पड़ेगा, चलो भाई उठा यार कट्टा। तो गाइस अब हम बैठ चुके हैं यहाँ पे, थोड़ी देर हमने रेस्ट कर लिया है अपना, तो अब चलेंगे ऊपर। अभी भी कट्टा ये उठा रहा, मैं नहीं उठा रहा भाई, भाई उठा दे यार, मेरी बस की नहीं है, मैंने इसलिए बैग पहले ही टांग दिया यार, बहुत हालत बुरी हो गई भाई सुबह से भागते भागते, तू ही भगा रहा है, मैं भगा रहा हूं। तो रोहित को व्लॉग भी बन रहा है, तो गाइस मैं पता नहीं ले जाऊंगा, तो भाई गाइस तो रोहित भाई का जो चैनल है इसे भी सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना और करना यार चैनल को। तो चैनल का नाम है ब्यूटीफुल ऑफ उत्तराखंड व्लॉग रावत। तो गाइस उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए यार, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना रखी है मैंने, सुबह रनिंग की ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ मैं, जब सुबह अपनी रनिंग करने जाते हैं, मुझे वीडियो बनाने का उतना शौक नहीं है, पर मैं सुबह सुबह रनिंग की वीडियो बहुत ज़्यादा डालता हूँ, इसलिए आजकल रनिंग जा रही है ना तो वीडियो भी कम आ रही है मेरे चैनल पे। जब रनिंग जाऊँगा यहाँ से जाके एक दो दिन बाद, तो फिर दोबारा बनेंगे। तो सो गाइस तब हम दोनों को सपोर्ट करना और ऐसे प्यार बना के रखना, तो डेली आपके लिए नए नए ब्लॉग लेके आएंगे हम दोनों। तो अब चलते ऊपर, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, चल ले कुछ दे दो, जहाज वहाज ही मंगवा दो, ऊपर जाना है यार इतना पैदल कैसे में जाना है। तो चलते अब ऊपर और मिलता हूँ आपसे आगे। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए नानी के घर पे, और नानी जी, नानी क्या खानी? नानी बिस्तर बिस्तर हमारे बिस्तर लगा रहे क्योंकि काफ़ी थकान लग गई है और अब आराम करना है हमें। तो आजा भाई अंदर आजा, बैठ जा। तो यहाँ रहेंगे आज हम दोनों। तो आ गए फाइनली, और काफ़ी ऊपर है नानी और घर के, नीचे जो देख सकते हो वहाँ नीचे रोड है, अरे ऊपर नानी का घर है, नानी और घर है ऊपर, काफ़ी ऊपर है। आते आते हालत बुरी हो जाती है, मेरे पाँव में दर्द होने लग गया, अब तो पाँव में दर्द हो रहा है। तो नाना जी भी आ गए, और
नानी जी है, नाना जी दोनों, नानी ने काफी सारी बकरियां रख रखी है, देख सकते हो। और किसी को लेने तो संपर्क करे, भेज देगा मैं भेज दूंगा सारी बकरी सारी बकरी भेज दूंगा, क्योंकि नानी और के बस का नहीं है अब। और वो पीछे हमारा गांव है धार के पल्ली तरफ, तो यहाँ आ गए फाइनली। और काफ़ी रोहित भाई कैसा लग रहा है यार? बहुत बढ़िया, मस्त लग रहा है यार, यहाँ पे आके रिलैक्स हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि अब पहुँच गए घर पे हम। तो फाइनली अब पहुँच गए, तो आराम करते हैं, क्योंकि नाइट होल्ड आज यही करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा थकान लग गया। देखते हैं कहाँ करना है दूसरी जगह, बैठते हैं अंदर। और इस रात के बज गए 8:30 और काफ़ी अंधेरा हो गया अब तो। और नाना उन्होंने खाना वगैरह सब बना लिया, तो देखते हैं क्या क्या बनाया है नाना उन्होंने हमारे लिए स्पेशल। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या बना रखा है। खाना बन गया और ये बन रखे चावल और दाल, दाल की नानी मिक्स दाल और साथ में सब्जी मीठ भात भी। हाँ तो सब्जी बन रखी है, मिक्स हुई सब्जी। तो अब खा पी के मिलता हूँ सीधा आपसे। गाइस फाइनली हमने खाना वगैरह खा लिया, अब सोने की तैयारी, क्योंकि खाना वगैरह खा लिया, अब बिस्तर हमारे लिए लग गया और अब सोते हैं, क्योंकि कल सुबह जाना भी है हमें, कल सुबह हमें बॉन्ड जाना है, तो कल आपके लिए बॉन्ड का व्लॉग आएगा। तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए वीडियो को, और इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे लगे तो कमेंट करना यार वीडियो में, अगर किरोड़ गाँव में किसी का घर दिखा हो बीच में तुम्हें वीडियो में, तो हमें बताना जरूर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।